हेलो स्टूडेंट, आगे हमने आल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो ये सब पढ़ लिया। उसके बाद आज बहुत ही सिंपल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये 11th से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल, और उसमें 5 रिएक्शंस बहुत ही पॉपुलर है। कौन कौन से 5 वो भी आपको पता है। फर्स्ट दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में एज अ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2+। अनदर दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, SO3H+। देन हेलोजिनेशन, उसका इलेक्ट्रोफाइल होता है X+। उसके बाद अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, उसका इलेक्ट्रोफाइल है CH3+। असाइलेशन, उसका इलेक्ट्रोफाइल है CH3CO+। ठीक है, और इस बेस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की जो रिंग है उसके ऊपर हो रहा है। ओके, तो यहां पे हम एल्डिहाइड के बेस पे जाएंगे, तो एल्डिहाइड में मेनली हमारा ये जो बेंजाल्डिहाइड है CHO, इसमें एरोमेटिक में हम एसिटोफिनोन भी ले सकते हैं। ओके, तो बेसिकली देखो इसमें जो 5 रिएक्शंस है उसमें से 3 हो सकते हैं। कौन से 3? सो फर्स्ट 3, लास्ट 2 पॉसिबल नहीं है, तो उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। पहले जो 3 हो रहे हैं उसके बारे में आप देख लो, तो पहले 3 हो गए नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल है NO2+। इसके बाद सल्फोनेशन SO3H+ और हेलोजिनेशन X+। तो CHO ग्रुप जो है दैट इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और इसीलिए जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी नाइट्रेशन में, जो प्रोडक्ट मिलेगी उसमें NO2 ग्रुप कहां पे आपको मिलेगा, वो मेटा पे मिलेगा। ओके, मेटा पे मिलेगा मतलब 1, 2, 3 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, आप ऐसा लिख सकते हैं, 3 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। SO3H ग्रुप की हम बात करें तो ये भी आपको मेटा पे मिलेगा, तो यहाँ पे CHO बेंजाल्डिहाइड और यहाँ पे हो जाएगा SO3H हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद X+ की हम बात करें तो यहाँ पे CHO ग्रुप और हेलोजन यहाँ पे आता है। तो ऐसे 3 रिएक्शंस आपको मिलेंगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन। और ऐसे ही 3 रिएक्शन हम कीटोन के लिए भी लिख सकते हैं। कीटोन में जो एरोमेटिक है दैट इज एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन की फॉर्मूला है COCH3। तो ऐसे सेम रिएक्शन हम यहां भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप बोलोगे सर बाकी 2 हमने क्यों नहीं लिखे, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट। यस, तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, टेक्स्ट बुक में ये सब मेंशन नहीं किया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 2 इलेक्ट्रोफाइल है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम AlCl3 यूज करते हैं। ओके, और AlCl3 का जो रोल है दैट इज लुईस एसिड। लुईस एसिड का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो लुईस एसिड है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होता है, बेंजाल्डिहाइड हो या कीटोन हो कहीं पर भी, तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ वो अटैच हो जाता है और वहां वो बेंजीन की जो रिंग है उसको डीएक्टिवेट कर देता है, और बेंजीन की जो रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, इसका मीनिंग हुआ वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो ये रिएक्शन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, तो रीजन में आप इतना लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूं व्हाई फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन डू नॉट अकर। उसका रीजन है AlCl3 एक्ट एज अ लुईस एसिड व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल व्हिच कंबाइन विद कार्बोनिल ग्रुप एंड डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, सो दैट रिएक्शन डू नॉट अकर, आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा कुछ रिएक्शन दिए नहीं है, टेक्स्ट बुक में एक ही रिएक्शन दिया है, बाकी के क्यों नहीं दिए उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहां पे
एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे धीरे धीरे अब कंप्लीट होने आ रही है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एक इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, वो हम पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक में उसको पहले दिया है, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने पहले पढ़ा ऑक्सीडेशन, सिक्वेंस में पढ़े हमने, पहले हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, उसके बाद हमने पढ़ा रिडक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा आल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद फोर्थ वन क्रॉस, आल्डोल कंडेंसेशन में दोनों आ गए, आल्डोल भी पढ़ लिया और क्रॉस भी पढ़ लिया, उसके बाद कैनिजारो पढ़ा और अभी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इतने रिएक्शंस आपके परफेक्ट होने चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा रिएक्शंस है वो आपको नोट्स फॉर्म में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।